हेलो एवरीवन, हम लोग निकल चुके हैं एक नई सफर, नई मंजिल की तरफ। हमारे साथ साथ ये लोग हैं और हम आज की हमारी जो ट्रेन है, आज की जो हमारी ट्रेन है 13333 है, जो कि हावड़ा से प्रयागराज के लिए चलती है और हमारा उसमें स्लीपर में है। टिकट शायद कन्फर्म है, शायद क्या कन्फर्म है, मैसेज अभी आया, मैंने देखा नहीं। चलते हैं फिर स्टेशन पे, देखते हैं क्या पोजीशन है। गाइस, अपनी जो ट्रेन है ये 12 नंबर पे अनाउंस कर चुका है, जो कि 12333 हावड़ा प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस 12 नंबर पे लगने वाली है। और चलिए फिर ट्रेन आते हैं तो आगे का जर्नी आपको दिखाते हैं कैसा होने वाला है। गाइस, ये जो विभूति एक्सप्रेस हमारी आ चुकी है और हमारा जो रिजर्वेशन है वो S3 में है, S3 लगने वाला है। जैसे ही लगता है फिर उठते हुए आपको बताते हैं कौन सी गली में लगने वाला है। S4 हुआ, हम लोग को और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए फिर ट्रेन में मिलते हैं। ये जो है हमारी ट्रेन बर्मानिंग कर चुकी है, और चाय वाले, नाश्ता वाले, खाने वाले सब चढ़ रहे हैं। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे लगती है ये। हावड़ा से चलते हुए इस ट्रेन का फर्स्ट स्टॉपेज बर्धमान। टाइम आप देख सकते हो 9:21 हो रहे हैं। 21:21 पे ये ट्रेन बर्धमान में इन किया है। गाइस, ट्रेन का सिग्नल हो चुका है ग्रीन, अब चलने का टाइम है, फिर चलते हैं। गाइस, ट्रेन जो है अपनी चल चुकी है। इस स्टेशन का कोड है BWN और ये इस स्टेशन पे 5 मिनट डिले पहुंची है अपने टाइम से। इसका टाइम है 9:16 पे और ये वर्धमान में पहुंची है 9:21 पे, यानी 4-5 मिनट के डिले पे। और अब हमारी ट्रेन चल चुकी है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टेशन पे आप सब। ये रहा वर्धमान स्टेशन। और ये गाइस हम आ चुके हैं आसनसोल जंक्शन, स्टेशन कोड ASN। इस ट्रेन का टाइमिंग है 10:34 पे, इस ट्रेन का आसनसोल पे टाइम है और ये 10 मिनट के डिले से पहुंची है। ये रहा आसनसोल स्टेशन। आसनसोल जंक्शन, अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म में जगह है। 10:34 पे इस ट्रेन का टाइम है पर ये 10 मिनट के डिले से आसनसोल पहुंची है। डिपार्टेड फ्रॉम आसनसोल जंक्शन। ट्रेन का करंट स्पीड है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी चल रहा है। ये हो सकता है मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही हो क्योंकि नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है और मेरे पास आज माइक भी नहीं है। और उस पर भी क्या है कि ये LHB कोच नहीं है। LHB कोच रहने से थोड़ा सा साउंड वाइब्रेशन थोड़ा कम होता है, बट इस कोच में कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, धीरे धीरे ये सब भी हो सकता है, इसको भी कभी ना कभी LHB कोच मिले। जैसे अमृतसर में मेल को मिला और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली विभूति एक्सप्रेस में जर्नी करते हुए देखते हैं। सो गाइस, 309 किलोमीटर चलने के बाद ये जसीडी जंक्शन पहुंच चुकी है। इस ट्रेन का
छठा स्टॉप जसीडी जंक्शन है, ये जो है बाबा नगरी जसीडी जंक्शन बाबा धाम। ये देख सकते हैं आप, ये सारे बाबा के भक्त हैं जो कि बाबा को जल चढ़ा के आए। ये काफ़ी फेमस जगह है जसीडी जंक्शन। इस ट्रेन का टाइम यहाँ पे 12:10 पे है, 15 मिनट लेट है, ये 15 मिनट डिले से पहुँची है ये ट्रेन जसीडी जंक्शन 309 किलोमीटर चलने के बाद। ये सारे बम यहाँ पे बाबा को जल चढ़ा गया है, देख सकते हैं काफ़ी जितने भी हैं सब श्रद्धालु भक्तगण हैं जो कि बाबा को जल चढ़ा के आए हैं। और शायद थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है जसीडी जंक्शन। गाइस इतने सारे स्टेशन जाने के बाद इस स्टेशन से काफ़ी भीड़ दिख रही है। 10:15 पे इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम है यहाँ से, और ये 10:28 पे यहाँ से निकली है, यानी 14 मिनट के डिले से यहाँ से डिपार्चर जसीडी जंक्शन से। जय बाबा। गाइस अभी हम आ चुके हैं पटना, 530 किलोमीटर जर्नी पूरा करने के बाद पटना पहुंच चुके हैं। 36 मिनट लेट है ये ट्रेन। देख सकते हो काफ़ी टाइम पे आ रही थी, बट बीच में पता ना क्यों लेट हो गया, मैं तो सो गया था। पटना जंक्शन अपनी ट्रेन जो है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। और ये मेरा भाई है, इसको अनफॉर्चुनेटली ऑफिस के काम से पटना उतरना पड़ा। बाय बाय। हेलो।